4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होने वाली है। बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। शेखावत ने कहा कि एक बार फिर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कार्यकर्ताओं ने जब इतना परिश्रम किया है तो निश्चित रूप से बीजेपी ही पताका फहराएगी। बीजेपी के संकल्प के अनुसार शेष कार्य पूरा किया जाएगा। कल चुनाव परिणाम आ रहे हैं। देश में जिस तरीके से एग्जिट पोल से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व सरकार आने का माहौल बन चुका है, ऐसे में जब जोधपुर में पूरे हिंदुस्तान की जो हॉट सीट है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस तरीके से दोनों बार कांग्रेस के दिग्गजों को शिकस्त दी है, और अब समझा जा सकता है कि ये जो चुनाव है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जो बड़े बड़े फैसले लिए उनको फलीभूत करने का वक्त है। इस वक्त केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ। सर, कितनी उम्मीद, आपको तो पहले से एडवांस में बधाइयाँ मिल रही है, खुद कितने आश्वस्त हैं, कितने वोटों का अंतर आप मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के इस एग्जिट पोल आने के पहले भी उसको 100% विश्वास था। वो आत्मविश्वास से लबरेज होकर के चुनाव के मैदान में उतरा था, चाहे वो बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता हो, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता हो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। हम सब लोग कॉन्फिडेंट थे कि जिस तरह से पिछले 10 साल में देश में एक परिवर्तन का आगाज हुआ है, देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन आया है, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, भारत की छवि पूरे विश्व भर में बदली है, इसको लेकर के भारत का मतदाता एक बार फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी को विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। और इसलिए देश भर के मतदाताओं ने, देश भर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक संकल्प प्रस्तुत किया था, और वो था अब की बार 400 के पार। और देश की जनता ने जो 400 के पार का नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने से लेकर के चुनाव समाप्त होने तक इस देश की जनता के संकल्प को सिद्ध करने के लिए विश्वास के साथ में जुटा था। अब कई परिवारवादी ताकते हैं, कई सांप्रदायवादी ताकते हैं, कई भ्रष्टाचारी ताकते हैं, सब एकत्रित होकर के कुछ वहम फैलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब एग्जिट पोल होने के बाद में मैंने जैसा कहा कि सुर भी बदलें, स्वर भी बदलें, 2 दिन रुक जाइए, कल शाम, कल इस समय तक देश की तकदीर जब साफ हो जाएगी, देश की तस्वीर जब साफ हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के चेहरे पे जो आत्मविश्वास है, लोग जिस तरीके से एडवांस में शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे हैं, समझा जा सकता है कि ये तस्वीर जो है वो कितनी सुखद है। और सबसे बड़ी बात है कि एडवांस में बधाई तभी लोग देते हैं जब पहले से कहने का एहसास होता है। और जिस तरह से कहा है कि सुर और स्वर सब बदल चुके हैं, और आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से जोधपुर के विकास के और अधिक पंख लगेंगे, जिस तरीके से जनता की जो समस्याएं हैं उनका और अधिक निस्तारण करेंगे, तो शेखावत जो है अगली बार, चौथी बार भी अगर यहाँ से जाते हैं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चौहान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।